आप जाने जाए आज क्या पे आज कौन कौन से आज जो नंबर्स आए उसमें है? मैं बहुत कंफ्यूज था मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था एल एन टी टाटा पावर दोनों में मुझे इतनी कंफ्यूजन मतलब True. समझ में नहीं आया कि कैसे लगना है तो मैं क्या कर रहा हूँ एल एन टी को मैं न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ नंबर्स अच्छे हैं एल एंड टी के लेकिन दिक्कत क्या है गाइडेंस में थोड़ी सी कमी रह गई है प्लस ये स्टॉक जिस लेवल पर है ना बहुत ज़्यादा चलने की जगह नहीं है इनका इसका इनफैक्ट एक एक बार इसका एक साल का चार्ट ले आइए एक महीने में करीब आठ परसेंट करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक लेकिन अगर आप एक साल का चार्ट देखेंगे तो करीब करीब फोर्टी सेवन फोर्टी एट परसेंट की रैली आ चुकी है लास्ट ट्यूब्रो में ठीक है अब हो सकता है इस नंबर पर एक गैप अप मिल जाए क्योंकि लेकिन जो मा, मार्जिन की गाइडेंस है ना इनकी वो खराब है एट की वो अगर ये नहीं आया होता तो मैं आज उसको डार्क ग्रीन लेके चलता लेकिन क्योंकि और मार्जिन आउटलुक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैकवर्ड लुकिंग नंबर से इसके लिए बाकी नंबर्स ठीक ठाक है रेवेन्यू 67,000 करोड़ 66,000 करोड़ का एस्टिमेट था एबीडा सेवेंटी टू थर्टी करो सेवेंटी फाइव का एक्सपेक्टेशन था मार्जिन 10.8 पॉइंट परसेंट एलेवन परसेंट एक्सपेक्टेशन था प्रॉफिट फोर करोड़ पोल के आसपास ही है इसको रेड भी नहीं ले सकते क्योंकि पिछले एक महीने में जैसे दिखाया था हमने आठ ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है तो इसके लिए थोड़ा सा असमंजस है न्यूट्रल इसको मैं लेके चल रहा हूँ बाकी स्क्रीन देखकर डिसाइड करेंगे कि मार्केट ने क्या वर्डिक दिया टाटा पावर को मैं रेड लेकर चल रहा हूँ टाटा पावर को मैं रेड लेकर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि टाटा पावर के नंबर्स इतने इंस्पायरिंग नहीं है जिस तरीके से ये स्टॉक चलता है जिस तरीके से पिछले छः महीने में स्टॉक की री रेटिंग हुई है अब बहुत लोग कहेंगे कि ये री रेटिंग जो हुई है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से हुई है बहुत लोगों को लगता है कि रीन्यूएबल्स का जो उनका पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से बिल्कुल वो बात मैं मान रहा हूँ लेकिन फिर भी छः महीने में एक स्टॉक जो पचहत्तर परसेंट चल चुका है वो ऐसे नंबर नहीं ला सकता ठीक है और सी एल एस ने टू नाइन्टी सेवन का प्राइस टाइट लिया जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है इतना भी नहीं होना चाहिए था लेकिन आ, एक तो नंबर ठीक ठाक नहीं है प्लस स्टॉक महंगा है थर्टी फाइव टाइम्स ट्रेड करता है तो इसके लिए मैं टाटा पावर को रेड ले चल रहा हूँ टी वी एस बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है लेकिन मैं टी वी एस पर फोकस कर रहा हूँ सिर्फ नंबर्स पर और सिर्फ मार्जिन पर फिर इन्होंने मार्जिन बढ़ा दिए इसकी टी वीस की पूरी स्टोरी जो है ना वो मार्जिन री रेटिंग की है कि मार्जिन अगर वो इस तरीके से बढ़ाते रहे क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर एक परसेंट मार्जिन इंक्रीज से प्रॉफिट पे सीधा 20-25 परसेंट का इम्पैक्ट आता है उस तरीके का इनका इम्पैक्ट है इसके लिए फिर से 11 परसेंट से ज़्यादा का मार्जिन मुझे याद है एक टाइम था बहुत लोग बोलते थे कि डबल डिजिट में मार्जिन कब ला पाएंगे अब वो सेटल हो गए डबल डिजिट में 11 परसेंट पर मुनाफा भी इनका थोड़ा एस्टिमेट से कम है लेकिन मार्जिन ठीक ठाक है तो इसके लिए मैं इसको ग्रीन में कर चल रहा हूँ और एक रीज़न इसको ग्रीन में लेकर चलने का मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ जो स्टॉक्स मोमेंटम में होते हैं ना उनके अगेंस्ट बैट मत करिए टीवीए से एक मोमेंटम में है इस समय स्टॉक इसके लिए इसके अगेंस्ट बैठ करके कोई फायदा नहीं है हाँ देखते हैं आज स्क्रीन पर कैसे रिएक्ट करता है और फाइनली बैंक ऑफ बरोडा आपकी टीम में भी था आशीष वो जो बॉब वर्ल्ड ऐप पर रोक लगी है वो हटाई है आर ने और नए ग्राहक जोड़ सकेंगे ये स्टॉक थोड़ा सा कल भी करंट दिखा रहा था कल नंबर भी हैं इसके बैंक ऑफ बरोडा के आई थिंक जिस तरीके से परेट बैंक का परफॉर्मेंस रहा है आज मार्केट थोड़ा कोशिश करने की कोशिश मतलब थोड़ा सा ये प्रियम करने की कोशिश करेगा कि नंबर्स कैसे रह सकते हैं बैंक ऑफ बरोडा के तो इसके लिए इसको भी मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूं बिल्कुल ठीक बहुत बढ़िया चार आज के बिग स्टॉक्स अब फ्रंट वो स्टॉक्स जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है लार्सन एंड टूब्रो शायद न्यूट्रल रखना बेहतर होगा टाटा पावर कमजोर ही रखना है बैंक ऑफ बड़ोडा अच्छी खबर बॉब वर्ल्ड रिलेटेड और टीवीएस मोटर्स बढ़िया मोमेंटम वाला स्टॉक है मार्जिन फिर से पॉजिटिवली सरप्राइज ही करके गए कि पे रहेगा यह है आज के चारों बिग स्टॉक्स और अब